जब हमारा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझने में लगा था, उस वक्त दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हजारों की संख्या में जुटे तबलीगी जमात के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मुंह चिढ़ा रहे थे और जमात का मुखिया मौलाना असाद कंधालवी इस बात से इत्मीनान में था कि ये बला यानी बीमारी तो अल्लाह का गुस्सा है जो उसकी इबादत से ही कम होगा। मौलाना असाद भले ही मोदी सरकार के फरमानों की अनदेखी करते, लेकिन अपने दीन के लोगों और दूसरे मौलानाओं की बात को तो मानते जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज में जमात के आयोजन को रद्द करने की सलाह दी थी। वो मौलाना भी तो उसी अल्लाह की इबादत करते हैं जिन्होंने इस आयोजन को रोकने की सलाह दी थी, लेकिन साथ तो जिद पर अड़े थे और इसी जिद ने न केवल उनके जमातियों की जान सांसत में डाल दी बल्कि देश में फैल रहे कोरोना की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। तबलीगी जमात के दूसरे गुट शूराए जमात ने तो संक्रमण बढ़ते ही अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था जिसका हेड ऑफिस दिल्ली के तुर्कमान गेट पर है, लेकिन साथ को ये कतई कबूल नहीं था। साथ का कार्यक्रम निजामुद्दीन में जारी था, उसने यहाँ अपना प्रचार भी किया और मस्जिद में सबसे अच्छी मौत जैसा उपदेश भी दिया। साथ के करीबी का मानना है कि उसे अंजाम का अंदेशा था, लेकिन उसके अड़ियलपने ने तबलीगियों को महामारी के मुंह में धकेल दिया। मीम अफजल और जफर सरीशवाला जैसे नेताओं ने भी साथ को सलाह दी थी कि मरकज में होने वाले कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएं, लेकिन साथ को भला कहां मानना था। मौलाना साथ की इसी जिद का नतीजा है कि पिछले चार दिनों में देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। अचानक आई ये तेजी तबलीगी जमात की वजह से है। देश में कोरोना के मामले अब 4.1 में दोगुने हो रहे हैं, जबकि जमात की एंट्री होने से पहले मामलों के दोगुना होने की दर 7.4 दिन थी। जमात का कहर उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखा जहां कुल कोरोना मरीजों में 50% संख्या जमातियों की हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।